a Maharashtrian delicacy. Hello and welcome to Shipra's Kitchen, and you're watching Simply Maharashtrian. Today I'm going to be making another Maharashtrian special recipe, jiska naam hai batata chiosar. आलू से बनता है बटाटा यानी कि आलू एंड इट्स रियली डिफरेंट थोड़ा सा मीठा थोड़ा सा तीखा यू आर गोइंग टू लव इट सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले एक पैन के अंदर हम ऑयल को गरम करते हैं और इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा ब्लैक मस्टर्ड सीड्स लेट इट क्रैकल क्रैकल हो गए हैं. अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये अदरक का पेस्ट इसे हमें फ्राई करना है. अब इसके अंदर जाएगा टमाटर टमेटो प्यूरी. इस स्टेज पर मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा नमक बिकॉज दैट विल हेल्प द टमेटोज टू कुक. थोड़ा सा इसमें जाएगा हल्दी पाउडर चिली पाउडर गरम मसाला. वी वॉन्ट द टमेटोज टू सॉफन अप. बहुत मज़ेदार बात है कि हर 100 किलोमीटर्स में इंडिया में लैंग्वेज बदल जाती है और साथ में क्विजीन भी. जैसे हमारी आलू की सब्जी जब महाराष्ट्र में बनाई जाती है तो उसे कहा जाता है बटाटा ची उसर. टमाटर गल चुके हैं इस स्टेज पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पोटैटोस. इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे. बटाटा ची उसर खाया जाता है पाव के साथ. महाराष्ट्र में पाव बहुत ज़्यादा फेमस है एंड दे आर रियली डिलिशियस. जब मैं पहली बार महाराष्ट्र में आई थी तो पाव वॉज माई स्टेपल डाइट एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस इन महाराष्ट्र लव आवर पाव. इट इज़ जस्ट लाइक मिसल पाव. मिसल पाव में 3-4 लेंटल्स होते हैं और उसको कुक किया जाता है कुछ इसी तरह और हम उसे रिप्लेस कर रहे हैं पोटैटोज के साथ. अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी और इसको हम पकाएंगे. ये पोटैटोज हमारे 5 मिनट के लिए पक चुके हैं. अब मैं इसमें डाल रही हूँ जैगरी यानी कि गुड़ थोड़ा सा जस्ट टू बैलेंस द हीट और इसे तब तक हिलाइए जब तक जैगरी पूरे तरीके से घुल नहीं जाती. एंड वी आर डन. तो चलिए इसे प्लेट करेंगे. और अब मैं इसको गार्निश करने वाली हूँ फ्रेश कोरिएंडर लीव्स के साथ. वाओ लुक एट दिस कलर सो प्रिटी. दिस इज समथिंग रियली स्पेशल. चखना कहते हैं इसको यहाँ पे. इससे हम इसे गार्निश करेंगे. आई लव इट. काफ़ी सारा होना चाहिए टेस्ट रियली यम. और ये लीजिए गर्मा गर्म बटाटा ची उसर तैयार हो गए. For some yummy-licious Maharashtrian recipes, tune into Shipra's Kitchen. If you like my recipes, do like, share and subscribe to Shipra's Kitchen.